हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको अपडेट देनी थी इंपॉर्टेंट। एक आपके लिए बैड न्यूज़ है और दो गुड न्यूज़ भी हैं। सर, बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है, जो आपका टर्म वन का रिजल्ट था वो पोस्टपोन होते हुए दिखाई दे रहा है। सर क्यों ऐसा किया है? देखो, बोला जा रहा था कि 5 से 6 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आ जाएगा। बट हुआ क्या बताता हूँ। एक्सपर्ट्स को जो आंसर किस प्रोवाइड की थी अभी तक, उसका हर एक एक्सपर्ट ने नहीं रिप्लाई दिया, मतलब CBSE को नहीं प्रोवाइड की है, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी थी आपको पता है। तो CBSE ने वही चीज़ एक्सपर्ट से रेफर की थी और बोला कि हम ऑफिशियल कंफर्मेशन भी देंगे कि आंसर की इसमें कहां डिस्क्रिपेंसी, वहां पे मार्क्स ऐड किए जाएंगे, आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो अभी सब एक्सपर्ट्स ने नहीं दिए है, इसे CBSE का भी आगे से कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। तो रिजल्ट कैसे बनेगा आप खुद बताइए। तो फर्स्ट वीक तो लगता नहीं, सेकंड वीक या शायद एक दो दिन और ऊपर हो सकते हैं आंसर कीज के लिए। कोई बात नहीं यार, अपने लेट करना करो, बट बच्चों को ना ग्रेस मार्क्स जरूर दो। और दो गुड न्यूज़ क्या है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने आंसर की अभी रेफर करेंगे, उसके बाद आपको बोनस मार्क्स का बताया जाएगा कहां कहां पे आपके बोनस मार्क्स आपको मिलने हैं, जहां पे CBSE की तरफ से गलती हुई है। देखते हैं CBSE इसके पे क्या क्लैरिफिकेशन देता है, इस पे क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी रिजल्ट अगर निकालेंगे भी उससे पहले ये चीज़ें तो क्लैरिफाई करेंगे ना, तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो इसलिए ये आपकी गुड न्यूज़ है कि आपको बोनस मार्क्स मिलने की उम्मीद अभी भी है, क्योंकि आंसर की इसमें उनकी तरफ से गलती है, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है। और दूसरी गुड न्यूज़ क्या है, जो सैम्पल पेपर बच्चे बोले थे सर कब आएंगे, क्योंकि हमें पैटर्न देखने उस हिसाब से हम तैयारी भी कर पाएँ, क्योंकि सर पहले तो 80 मार्क्स का होता था, उसका पैटर्न अलग है, अब 40 मार्क्स का हो गया, पैटर्न अलग है। तो बोला जा रहा था बेसिकली कि इस महीने के एंड तक, जैन के एंड तक आपको सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन आप जो सुनने में आ रहा है ऑफिशियल नहीं है, बट आपको मैं बता दूं सोर्सेज की तरफ से कि यार ये जो अनऑफिशियल बात चल रही है कि आपके सैम्पल पेपर्स भी सेकंड वीक तक आ जाएंगे। पहले माना जा रहा था जो सैम्पल पेपर्स हैं वो आपके जैन के एंड तक आएंगे, राइट। बट अब कहने की बात ये है, जो मुझे बात बताई गई है, कि सैम्पल पेपर्स अब आपके मिड ऑफ जैन तक आ जाएंगे। शायद जैसे रिजल्ट आएगा उसे 1 से 2 दिन बाद आपको ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चों की एंग्जाइटी खत्म हो गया, बच्चों को है कि सर पैटर्न क्या है, उस हिसाब से हम तैयारी भी करें। तो ये भी गुड न्यूज़ है कि आपको ये भी चीज़ जल्दी बताई जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या बनता है, जो भी अपडेट्स होंगी आपको मैं बताते रहूँगा। चैनल को आपको बस सब्सक्राइब करना है, सारी लेटेस्ट अपडेट्स क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, मोटिवेशन वीडियोस, स्ट्रेटजीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी आपको चैनल को बस सब्सक्राइब करना है। बाकी क्लास 11th और 12th को भी काफ़ी मटेरियल यहाँ पे मिलता है, एजुकेशनल मटेरियल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इससे होगा क्या, कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है ना, सबसे पहले मैं वहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, फिर मैं वीडियो बना के इधर भी पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पर जुड़ना भी बड़ा ज़रूरी है। तो जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बेस्ट विशेस, एंड यस आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच।